इमेजिन दिस, आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है और आप डिसाइड करते हैं कि आप आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे। आप क्लिनिक जाते हैं ताकि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल सके। डॉक्टर आपकी कंप्लेंट 5 सेकंड्स तक सुनता है और फिर अपना चश्मे उतारकर आपको दे देता है। ये लो, इन्हें पहन लो, ये मेरे लिए पिछले 10 साल से चमत्कार काम कर रहे हैं। आप चश्मे पहन तो लेते हैं लेकिन उससे सब कुछ धुंधला दिखता है। आप चिल्लाते हैं, ये क्या है, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। और डॉक्टर, अरे सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बोलने के बजाय आपको कहते हैं, अरे यार, मैं इन्हें 10 साल से पहन रहा हूं, ये अच्छे हैं, बस थोड़ी देर और ट्राई करो। आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको बस धुंधला ही दिखाई दे रहा है। असली हैरानी तो तब होती है जब वह आपको अनग्रेटफुल होने पर डांटने लगते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्होंने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। हां हां, बिल्कुल आप पर एहसान किया है। आपको कभी कुछ न दिखे उसका बंदोबस्त करके एहसान किया है। तो क्या आप अगली बार उनके पास वापस जाएंगे? कभी नहीं, है ना? ये वैसा ही है कि आप अपनी दादी को स्नैपचैट फिल्टर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेकार ही जाएगा। तो इस कहानी का सबक क्या है? आप उस आंख के डॉक्टर पर विश्वास नहीं कर सकते जो आपको डायग्नोज किए बिना अपना चश्मा आपको दे दे। एंड गेस व्हाट, यही चीज कम्युनिकेशन में भी लागू होती है। अगर आप बोलने से पहले सुनेंगे नहीं तो आप लोगों को अपने फजी ग्लासेस ही दे रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है लोगों से जुड़े रहना, उनके थॉट्स और फीलिंग्स को समझना और यह भी ध्यान रखना कि आपको भी सुने जाएं। और इसका सीक्रेट, लिसनिंग। मालूम है, मालूम है, आप सोच रहे होंगे, भाई मुझे सुनना आता है, मेरे पास कान है। लेकिन थोड़ा रुकिए मेरे दोस्त, क्योंकि लिसनिंग भी एक कला है। सोचिए, आप अपने पापा से कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। आप इस सब से पूरी तरह से थक गए हैं और उम्मीद करते हैं कि बिना ज्यादा बोले वो आपको समझ जाए। आप बोलते हैं, पापा कॉलेज तो मजाक बन रखा है, सच में ये तो भेड़ बकरियों के लिए है। और उनका क्या जवाब होता है? क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब यहां से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। वह असल में आपकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वह बस अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। वह खुद के कॉलेज के एक्सपीरियंस के बेस पर आपसे एक के बाद एक सवाल पूछने लग जाते हैं और आप निराश होकर अंत में कहते हैं, अरे छोरो, आप रहने दो पापा। सच्चाई तो यह है कि हम सब भी यही करते हैं। हम जरूरत के हिसाब से सुनते हैं, मतलब हम दूसरों के शब्दों को अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से छान लेते हैं। हम अग्री या डिसएग्री करते हैं, एडवाइस देते हैं या उनके मोटिव्स को अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ये कोरियन वेब सीरीज को बिना सबटाइटल्स के साथ देखने जैसा है। आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं लेकिन पूरी कहानी चूक जाती है। एक जादू का मंत्र है एम्पैथिक लिसनिंग, मतलब दूसरे के इमोशंस के हिसाब से खुद के इमोशनल फ्रीक्वेंसी को मिलाना। आप सिर्फ उनके वर्ड्स ही नहीं सुनते, आप उनके इमोशंस को भी महसूस करते हैं। और ट्रस्ट मी, यही पावर आपको एक कम्युनिकेशन सुपर हीरो बना सकता है। इमेजिन आपके पापा ऐसे बोलते, तुम कॉलेज से सचमुच परेशान हो ना? अचानक से ऐसा लगता है मानो उन्होंने आपका दिमाग पढ़ लिया हो। आप दोनों सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हो बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ भी रहे हो। और यही वो चीज है जिसे हम सब चाहते हैं, कोई हमारी बात सचमुच समझ सके। ये सब नजरिए का खेल है। अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय एम्पैथिक लिसनिंग में आप सचमुच सामने वाले को समझने की कोशिश करने लगते हैं। आप शर्लॉक होम्स बन जाते हैं, उनके वर्ड्स में छुपी हुई इमोशंस ढूंढने लग जाते हैं। अपने पापा के साथ उस बातचीत को याद कीजिए। इतना दूर आकर छोड़ने का मन तुम कैसे बना सकते हो कहने की बजाय? सोचो अगर वो ये बोलते, तुम क्विट करने और अपने पापा को निराश करने के बीच उलझे हुए हो, है ना? सडनली वो आपके दिमाग में है, आपके थॉट्स को पढ़ रहे हैं। लगता है मानो उन्होंने अपने बच्चे के दिमाग को समझने के तरीके का लेटेस्ट पैच डाउनलोड कर लिया हो। और ऐसे जब कोई सचमुच आपकी सुनता है तो लगता है मानो वो आपको मेंटल हग दे रहा हो। वो ये कह रहे हो, तुम्हारी बातों से मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हारे थॉट्स मैटर करते हैं। और क्या यही वो कनेक्शन नहीं है जिसकी हम सबको तलाश है? तो मेरे दोस्तों, ये रही वो सीक्रेट, कम्युनिकेशन। सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि इमोशन को समझने और कनेक्शन बनाना भी है।
और यह सब एम्पैथिक होकर सुनने से शुरू होता है, ना कि मैं बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं से। ये ऐसा है मानो किसी को ऐसा चश्मा देना जो उनको दूसरों के पर्सपेक्टिव से दुनिया को क्लियरली देखने देता हो। ओके ब्रोस, अब वक्त आ गया है चैलेंज का। अगली बार जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपनी एम्पैथी कैप को पहनिए, उनके वर्ड्स के साथ उनकी फीलिंग्स को भी समझे, उनके इमोशंस को तोड़े और उनके थॉट्स पर दोबारा ध्यान दे। ये एक कम्युनिकेशन डांस की तरह है जिसमें आप उन्हें अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं। याद रखे, एम्पैथी ही ब्रह्मास्त्र है। यह लोगों के दिलों और दिमाग के दरवाजे खोलने की चाबी है। ऐसे सुनो जैसे आप एक प्रो एम्पैथेटिक लिसनर हो और देखना दुनिया नई तरह से दिखेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।